आप सभी दोस्तों का धामा व्लॉग में स्वागत है। दोस्तों सुबह के 7 बज चुके हैं और मजदूर आ चुका है। आज मैं एक दीवार चिनाई करने वाला हूँ, उसको चिनाई करके देखने वाला हूँ। और ये मजदूर मसाला बनाने वाला है। दोस्तों ये अपने काम पे लग चुका है और ऊपर दूसरी मंजिल पर हम लोग 4 इंची की एक दीवार चिनाई करके देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों एक बार ऊपर चल करके देख लेते हैं जिस दीवार पर हमें काम करना है, चिनाई करके देखनी है, उस दीवार पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो चलिए इस मजदूर के पीछे पीछे चलते हैं। ये अपना काम मसाला बनाने में लग चुका है, कर देगा। और हम चलते हैं एक बार ऊपर दूसरी मंजिल पर, देख लेते हैं कि कौन सी दीवार की हमें चिनाई करनी है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं दूसरी मंजिल पर, ये देखिए। और यहाँ पर हमने शाम के टाइम ये ईंटें भी चढ़ा दी थी। और दोस्तों इसके अलावा ये दीवार, जी हाँ दोस्तों ये दीवार जो आप देख रहे हैं, इस दीवार पर हमें चिनाई करनी है। इसके अलावा दोस्तों मकान मेरा कुछ ऐसी जगह पर है, ऑन रोड है, यहाँ से देखिए कुछ ही दूरी पर एक सड़क भी है जो कि बड़ोद से मेरठ को जाती है। आपने नाम अगर सुना है मेरठ से बड़ोद, तो दोस्तों ये मेरठ से बड़ोद की तरफ को वो सड़क जाती है और बिल्कुल जस्ट मेरे मकान के पास में है। थोड़ा ही फासला है, आप देख रहे हैं, यहाँ पर वाहन भी चल रहे हैं। आप सभी दोस्तों में से अगर कोई दोस्त मेरठ या बड़ो साइड में आता है तो बिनोली जस्ट ऑन रोड है और मेरा मकान बिल्कुल बस स्टैंड के पास में है, आप मुझसे मिलने आ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा एक बैग का पूरा मसाला तैयार हो चुका है, अब इसको केवल मिलाना बाकी है। और अपना काम ये बेखूबी मजदूर हमारा कर रहा है, जल्दी जल्दी इसको मिला देता है। देखिए दोस्तों हमारा मसाला तैयार हो चुका है। चलिए हमने हथियार संभाल लिए हैं, करनी, बसोली और सूत, और शॉल भी हमने ले लिया है। यहाँ पर थोड़ी साफ़ सफाई कर देते हैं जहाँ पर कि हमें चिनाई करनी है, ताकि नीचे अगर मसाला कोई दिखता है तो बाद में काम आ जाए। तो दोस्तों यहाँ की साफ़ सफाई हो चुकी है और अब मसाला यहाँ पर आ चुका है। मैंने अब चिनाई शुरू यहाँ पर करनी है। सूत मैंने ले लिया है, इसको एक कील में लगा करके दोस्तों एक साइड में हम ठोक देंगे, क्योंकि एक साइड में दीवार बनी हुई है, दूसरी साइड में सोल लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं इसे यहाँ पर देखिए ठोक देता हूँ, यहीं से हम चिनाई करके देखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों ये मैंने इस तरीके से ठोक दिया है और यही सार हम पहले लगा करके देखने वाले हैं। दोस्तों ये सूत हमारा बन चुका है और दूसरी साइड में जा करके हम एक ईंट को सोल में लगा लेंगे जिस पर सूत बांध सके। ये दोस्तों पहली करनी मसाला मैंने इस सार पर रख दिया है और इसको फैलाने के बाद में ये मेरी पहली चिनाई की ईंट मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ। दोस्तों चिनाई कैसी होगी ये तो आप सभी दोस्त वीडियो पूरा देखने के बाद में बता सकते हैं। चलिए खैर दोस्तों पहली ईंट यहाँ पर हम लगा देते हैं। मसाला हमने फैला लिया है और यहाँ पर पहली ईंट रख करके उसको सोल में कर लेते हैं, तभी हमारा यहाँ पर अच्छे से सूत बंध पाएगा और हमारी दीवार सीधी चल पाएगी। दोस्तों यहाँ पर ये पहली ईंट और इस पर हम सोल डाल करके देख लेते हैं ये हमारी लेवल में है या सोल में है या नहीं है। तो ये हम डाल करके देख लेते हैं और थोड़ा खिसका लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों हमारी ये ईंट सोल में लग चुकी है और अब हम इस पर सूत बांधने वाले हैं। और इसके आगे दोस्तों एक ईंट और मैंने लगा दी है ताकि इस ईंट पर जैसे ही हम सूत बांधे, खींच करके सूत बांधेंगे, तो अकेली ईंट निकल ना जाए, तो इसलिए हमने सपोर्ट में एक ईंट और इसके आगे डाल दिया है। तो दोस्तों हमारा सूत बंद करके तैयार हो चुका है और दोस्तों इस दीवार की अब हमें अच्छे से चिनाई करनी है। चलिए मैं दूसरी साइड में पहुंचता हूं, क्योंकि इस साइड में तो हमारा सूत बन चुका है, दूसरी साइड से मैं चिनाई करके लाने वाला हूं। दोस्तों ये हमने देखिए मसाला बनाया है लगभग 4 एक का। इसमें हमने 3 तसले रेत के डाले हैं और 1 तसला डस्ट का डाला है, ताकि 4 इंची की दीवार है, इसकी पकड़ अच्छे से हो सके। 4 एक का दोस्तों मसाला काफ़ी अच्छा हो जाता है दीवार की चिनाई के लिए। अगर उसमें डस्ट भी हम मिला देते हैं तो बहुत ही अच्छी पकड़ उसकी हो जाती है। और अगर ईंटों की अच्छे से तराई और मसाला 4 एक का लग जाए तो 4 इंची की दीवार भी काफ़ी मजबूत मानी जाती है। और दोस्तों हमने चिनाई शुरू कर दी है और अब धीरे धीरे हम इस दीवार की चिनाई करके देखने वाले हैं कि ये दीवार किस तरह की चिनाई होती है। वैसे तो दोस्तों ये दीवार हमें लगभग 1 मीटर की ऊंचाई की करनी है, क्योंकि ये बाउंड्री की दीवार है और 1 मीटर की बाउंड्री काफ़ी अच्छी होती है, यानी कि 3 फुट उसमें लगभग हो जाते हैं। और इस दीवार को 1 मीटर करने के लिए दोस्तों लगभग 1-1.5 घंटे का समय लग जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये टुकड़ा मैंने केवल बहुत ही छोटा लिया है आप सभी को दिखाने के लिए। इसकी लंबाई लगभग वैसे तो 20-22 फुट होगी, लेकिन मैं इसकी जो चिनाई करने वाला हूँ लगभग 10-11 फुट की करने वाला हूँ, ताकि जल्दी से इस दीवार की चिनाई पूरी हो सके।
वैसे तो दोस्तों आप सभी दोस्त 1-1.5 घंटे तक वीडियो नहीं देख पाएंगे, काफ़ी बोर हो जाएंगे, इसलिए मैं इस वीडियो की काफ़ी तेज़ी में चाल बढ़ाने वाला हूं, जिससे आप 1-1.5 घंटे की वीडियो केवल 50-55 सेकंड में पूरी देख पाएंगे और दोस्तों उससे आप बोर भी नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैं इस वीडियो की काफ़ी तेज़ी में चाल बढ़ाने वाला हूँ, जिससे आप पूरी की पूरी दीवार 1-1.5 घंटे की चिनाई की दीवार केवल 50-55 सेकंड में पूरी देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों मैं इसकी थोड़ी सी चाल बढ़ा देता हूँ। इसके लिए दोस्तों मुझे कैमरा थोड़ा दूर रखना पड़ेगा, जिससे आप पूरी दीवार की चिनाई देख सके। चलिए हेलो दोस्तों, मैं टीवी धामा। दोस्तों ये दीवार लगभग हमारी कंप्लीट सी होने को है, 2 साल की थोड़ी कमी रह गई है। इसे लगाने के बाद में आप मैं सभी दोस्तों को दिखाऊंगा और तब आप बताना थोड़ी साफ सफाई करके कि दीवार। दोस्तों साफ सफाई हमारी दीवार की हो चुकी है, अब आप देख सकते हैं ये दोस्तों मैंने आज चिनाई की है और लगभग इसमें 1-1.5 घंटे का समय लगाया। हालांकि मुझे इस दीवार की आगे तक चिनाई करनी थी, जो कि अब मैं करने वाला हूं। दोस्तों लगभग शाम के 4 बज चुके हैं और मैंने पूरी दीवार की चिनाई कर दिया है। दोस्तों चलिए नज़दीक जा कर के आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं। दोस्तों आप सभी दोस्त जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, देख करके एक बार ज़रूर कॉमेंट में बताना कि दीवार की चिनाई अच्छी हुई है या नहीं, या